अक्सर लोगों के कमेंट आते हैं दोस्तों कि क्या लिंग का छोटा साइज़ बच्चा पैदा करने ना करने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति का लिंग का साइज़ कम है तो क्या उसको बच्चे पैदा होंगे नहीं होंगे, इसको थोड़ा समझेंगे अपन बहुत आसान भाषा में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखें। बच्चे पैदा होने ना होने की समस्या आजकल तो बहुत आम है, इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके और भी कारण हैं, बट जिन लोगों को नहीं होते हैं या उनको होने में टाइम लग रहा है तो उनके मन में ये ऐसा आता है कि भाई हमारा लिंग का साइज़ छोटा है, या महिला भी सोचती है कि भाई लिंग का साइज़ छोटा है, तो क्या ये बात सही है? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बिल्कुल सरासर बुलशिट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बच्चा पैदा करने के लिए पहले आप क्राइटेरिया समझो कि क्राइटेरिया क्या होता है। बच्चा पैदा करने के लिए एक महिला चाहिए, एक आदमी चाहिए, मतलब कि एक ओवम होना चाहिए और एक स्पर्म होना चाहिए, और बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए यूटरस चाहिए। ठीक है, तो महिला के पास यूटरस है और ओवम है, आदमी के पास स्पर्म है, स्पर्म को अंदर पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? पेनिस चाहिए। तो पेनिट्रेट करेगा आदमी, सेक्स करेगा तो वो हो जाएगा। अब वो मैटर ही नहीं करता कि कितना बड़ा है, लिंग का साइज सिर्फ और सिर्फ मैटर तब करता है कि जब आपको सेक्सुअल प्लेजर, आपको बोलना चाहिए कि संभोग का आनंद लेना है, तो उसके लिए, और वो भी इतना ज़्यादा कोई बड़ा मैटर नहीं है, उसके ऊपर मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। सर्टिफिकेशन के लिए और भी फैक्टर्स होते हैं, बट ये क्या है, लोगों ने ऐड देख देख के, टीवी ऐड जा रहे हैं इधर उधर, बंगाली दवा खाना देख देख के, लिंग का साइज़ बढ़ाओ, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, लिंग का साइज़ बढ़वा लो, ऐसा कचड़ा भर दिया आदमी के मन में। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इस पर महिला की योनि में पहुँचना चाहिए। अब आप फोरम देखिए कि इतना ही जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा लिंग हो, वो यूटरस के अंदर नहीं पहुंचता, यूटरस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म खुद जाता है। ठीक है, इस आपने तो स्पर्म को वहाँ छोड़ दिया सर्विक्स के द्वार पे, सर्विक्स के मुंह पे, अब वो स्पर्म का काम है ना, आपका काम तो ना कि स्पर्म को अंदर पहुंचा के आओगे, वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो ना घुसा देंगे पेनिस को। थोड़ा सा मैं ऐसे लैंग्वेज बोल रहा हूँ, बट ये आसान भाषा में बताने के लिए बोल रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा उसका लिंग हो, अगर उसका स्पर्म सही नहीं है तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अगर उसका स्पर्म की चाल सही नहीं है, मोटिलिटी नहीं है, तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। स्पर्म की डिज़ाइन सही नहीं है तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अगर ये तीनों अच्छे हैं, स्पर्म ठीक है, स्पर्म का काउंट अच्छा है, स्पर्म की चाल, स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सब कुछ अच्छा है, तो एक बार सिर्फ स्पर्म वहाँ तक पहुँच जाए, वो अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो चाहे वो 2 इंच का हो, 3 इंच का हो, चाहे 10 इंच का हो, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ स्पर्म अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आप जांच करा सकते हैं। यहाँ पे कई लोग सोचते हैं, एक और कमेंट आता है बार बार कि सेक्स करने के बाद तुरंत लिंग को योनि में से निकाल लिया जाए, या बोलना चाहिए कि वीर्य को ज़मीन पे गिरा दिया जाए, तो क्या बच्चा होगा? देखो भाई, उसमें भी चांस तो है। क्यों है? क्योंकि आप एक्यूरेट नहीं कर सकते, 100% एक्यूरेट नहीं श्योर हो सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत प्री काम है, या थोड़ा बहुत जरा सा भी, ये बोलना चाहिए कि एक बूंद भी अगर छूट जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों मिलियंस में स्पर्म होते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ एक चाहिए, पूरा का पूरा वीर्य नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो आप उसमें एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना हो सकता है, कितना छूट गया हो, तो वो ये सब एक अंदाजन है, रिस्क है, खतरों के खिलाड़ियों के लिए है ये टिप्स, अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, बट उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि नहीं ही होगी, मे बी पॉसिबल कि हो जाए। तो आज हमने क्या सीखा कि भाई लिंग का साइज़ मैटर नहीं करता प्रेगनेंसी होने के लिए, प्रेगनेंसी होने के लिए और भी चीज़ें हैं, महिला के शरीर में कोई प्रॉब्लम है, POCD है, PID है, क्या कर लोगे आप? चाहे 10 इंच का लिंग हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो और देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।